फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइकोमेट्री के बारे में स्टडी कर चुके हैं। हम लोग ये देख चुके हैं कि स्टोइकोमेट्री कहते किसे हैं, स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या होता है। स्टोइकोमेट्री का मतलब होता है टू मेजर द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और इसके हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर चुके हैं, मास को कैलकुलेट कर चुके हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर चुके हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया था, मास को कैलकुलेट किया था, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया था, हाँ, और ये सब को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर एग्जाम में कोई ऐसा केमिकल इक्वेशन आ जाए जो इजिली बैलेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो क्या हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना छोड़ देंगे? ठीक है, क्या हम उसे बैलेंस करना जारी रखेंगे? है ना, इससे क्या होगा, आपका टाइम लैप्स होगा, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ओनली 30 सेकंड होता है, जिसमें हमें उसे सर्किल भी करना होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, है ना, जिसमें बिना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किए आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है अमेजिंग, है ना, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही नहीं है, या वैसा केमिकल इक्वेशन जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो, है ना, उसे बिना बैलेंस किए हम उससे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कंसीडर ऑन ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए हम ऐसा केमिकल इक्वेशन ले रहे हैं जो इजिली बैलेंस नहीं हो पा रहा हो। ठीक है, तो सपोज करते हैं वो केमिकल इक्वेशन क्या है, मान लेते हैं दिया हुआ है A4 है, B5 है, प्लस क्या हो गया B2 है, C5 है, फॉर्म क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है यहां पर A5C3 प्लस B2C4। सपोज करते हैं ये केमिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन का अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना हो, ठीक है, ऐसे केमिकल इक्वेशन का नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, मास निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकालना है तो हम क्या करेंगे, POAC का यूज करेंगे। ठीक है, हम किसका यूज करेंगे, POAC। ठीक है, अब ये POAC क्या है, यानी कह रहा है कि बाय द हेल्प ऑफ POAC वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द सबस्टांस। ठीक है, हम सबस्टांस के मोल वगैरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ POAC। अब ये जानना है POAC क्या है, तो देखिए यहां पर POAC का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में POAC का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो POAC रूल है, ये जो POAC रूल है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ये जो दिया हुआ है यहां पर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स। ये जो दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, है ना, कि ये जो POAC रूल है, इट इज यूज्ड फॉर अ कॉमन एटम, यानी ये जो है कॉमन एटम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी POAC रूल हम वहां पर अप्लाई करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, तो एक कॉमन एटम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यानी किसी केमिकल इक्वेशन में हमें क्या ऑब्जर्व करना है, एक कॉमन एटम को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उस कॉमन एटम के हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल, मास और वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये केमिकल इक्वेशन है और ये केमिकल इक्वेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, वो इजिली बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, POAC का यूज करेंगे, और POAC किसके लिए यूज होता है, तो जानते हैं कॉमन एटम के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉमन एटम का यूज कर रहे थे, कोई भी कॉमन एटम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, A, B और C, कोई भी कॉमन एटम का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम तीनों का यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि POAC का यूज करके हम किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखें, तो अब कह रहे हैं यहां पर कि POAC फोर एटम ए, फोर एक कॉमन एटम ए। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉमन एटम ए के लिए POAC अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, तो यहां पर इसे हम रीड क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे वन मोल ऑफ A4B5। ठीक है,
इसे भी रीड करेंगे वन मोल ऑफ बी टू सी फाइव, इसे भी रीड करेंगे वन मोल ऑफ ए फाइव सी थ्री, इसे भी रीड करेंगे वन मोल ऑफ बी टू सी फोर, ठीक है। लेकिन अब इस वन मोल ऑफ ए फोर बी फाइव में, इस वन मोल ए फोर बी फोर बी फाइव में कितना एटम ऑफ ए है, फोर एटम, ठीक है। यानी ये जो फोर एटम जो मौजूद है, फोर एटम ऑफ ए, फोर एटम ऑफ ए इट इज प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ ए फोर बी फाइव, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर फोर इंटू ए फोर बी फाइव, यानी मोल ऑफ ए फोर बी फाइव, मोल ऑफ ए फोर बी फाइव, ठीक है ना। देखिए तो यहां पर ए फोर बी फाइव के मोल में कितना एटम ऑफ ए है, तो फोर एटम ऑफ ए है, तो लिख दिया यहां पर फोर इंटू मोल ऑफ ए फोर बी फाइव, ठीक है। अब इधर तो नंबर ऑफ एटम अब ए किसी में और में है नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ए जो है वो केवल ए फोर बी फाइव में राइट हैंड साइड है ना। अब देखिए अब कर रहा है हमें केवल नंबर ऑफ एटम ए पर, केवल एटम ए पर हमें कंसीडर करना है। तो यहां देखिए इस एक मोल में फोर एटम ऑफ ए मौजूद है, तो इसको क्या राइट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फोर इंटू मोल ऑफ ए फोर बी फाइव इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब यहां देखिए यहां पर दिया हुआ है एटम ए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इस ए फाइव सी थ्री के एक मोल में फाइव एटम मौजूद है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, फाइव इंटू मोल ऑफ ए फाइव सी थ्री, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, बस इसी दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। और इसके कंपेयरिंग करने से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ देखिए कितना इजी है, हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है यहां पर किसी कॉमन एटम को खाली चूज करना है, ठीक है। कोई भी कॉमन एटम हम यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन में कॉमन एटम हम किसका यूज कर रहे हैं, ए का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर इसके एक मोल में फोर एटम ऑफ ए है, तो फोर इंटू मोल ऑफ ए फोर बी फाइव लिख दिए। अब ए एटम कहां है, तो केवल यहां पर मौजूद है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, इसके एक मोल में फाइव एटम ऑफ ए मौजूद है, तो क्या लिखे, फाइव इंटू मोल ऑफ ए फाइव सी थ्री, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर अगेन पी ओ ए सी फोर एटम बी, अगर हमको एटम बी का, अगर हमें एटम बी का नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कैलकुलेट करना है, तो हम एटम बी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहां देखते हैं, तो पी ओ ए सी फोर कॉमन एटम बी, अब देखिए बी यहां पर ही मौजूद है, बी यहां पर ही मौजूद है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर इसके एक मोल में, इसके एक मोल में बी का फाइव एटम है, तो क्या लिखेंगे, फाइव इंटू मोल ऑफ ए फोर बी फाइव, और प्लस यहां पर कितना है, इसके एक मोल में टू एटम ऑफ बी है, तो क्या लिखेंगे, टू इंटू मोल ऑफ बी टू सी फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर बी एटम किसके पास है, सिर्फ इसके पास है, प्रोडक्ट साइड में बी एटम जो है सिर्फ इसके पास है, तो इसके एक मोल में बी का कितना एटम है, टू एटम है, तो क्या लिखेंगे, टू इंटू मोल ऑफ बी टू सी फोर, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन से हम बी के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर फिर अगर दिया है पी ओ ए सी फोर एटम सी, फोर एटम सी, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें कॉमन एटम सी को देखना है कि सी कहां कहां मौजूद है। देखिए यहां पर सी केवल इसके पास मौजूद है, इसको क्या लिखेंगे, इसके एक मोल में फाइव एटम ऑफ सी मौजूद है, क्या लिखेंगे यहां पर, फाइव इंटू मोल ऑफ बी टू सी फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहां पर सी एटम किसके पास है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, इसके एक मोल में तीन एटम सी है ना, तो थ्री इंटू मोल ऑफ ए फाइव सी थ्री, और प्लस क्या हो जाएगा यहां पर, फोर इंटू मोल ऑफ बी टू सी फोर, ठीक है। यानी इस तरह से देखिए हम लोग ने क्या किया, एक रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और इस कैलकुलेशन से हम नंबर ऑफ मोल ए को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ चाहे तो मोल ऑफ ए फोर बी फाइव कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मोल ऑफ ए फाइव सी थ्री कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम कॉमन एटम बी का यूज अगर करते हैं, तो इससे हम ए फोर बी फाइव के नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर बी टू सी फोर या फिर बी टू सी फाइव के मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस रिलेशन को निकालना बहुत ही ईजी है, ठीक है। और इसी ट्रिक को हम क्या करते हैं, पीओएसी का नाम दे रहे हैं, है ना, यानी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का नाम दे रहे हैं।
ठीक है। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम नंबर ऑफ मोल्स और मास को कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं यहां पर कि ये रूल कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपको जो है समझने में भी इजी होगा। ठीक है, तो चलिए, वो क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बताया था हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 12.25 ग्राम ऑफ KCl3। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना ग्राम KCl3 की हीट करने से कितना मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि KCl3 को अगर हीट किया जाता है तो ये क्या करता है, O2 का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब कितना मोल्स ऑफ O2 का प्रोडक्शन हो रहा है हमको नहीं पता। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, KCl का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब देखिए ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके सॉल्व किया था, है ना। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इसे बैलेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, विदाउट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसे रीड कर रहे हैं कितना, 1 मोल ऑफ KCl3, इसे रीड करेंगे 1 मोल ऑफ KCl, इसे रीड करेंगे 1 मोल ऑफ O2। लेकिन अब क्वेश्चन में देखना है कि हमें रिलेशन जो निकालना है वो किसके बीच रिलेशन निकालना है, एक KCl3 दिया हुआ है यहां पर और निकालना क्या है O2, यानी हमें O2 और KCl3 के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, इसलिए वी हैव टू कंसीडर ओनली KCl3 और O2, हमें केवल इन दोनों पर ही कंसीडर करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या करें, जब POAC का जब यूज कर रहे हैं, जब POAC का यूज कर रहे हैं, तो अब देखिए POAC में हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। यानी यहां पर जो हम कॉमन एटम लेंगे वो कॉमन एटम कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी है। ठीक, तो यहां देखिए यहां पर इसमें ऑक्सीजन कितना एटम है, 3 एटम है, तो 3 इंटू मोल ऑफ KCl3। ठीक है, कह रहे KCl3 के एक मोल में कितना एटम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, 3 एटम मौजूद है, तो लिख दें 3 इंटू मोल ऑफ KCl3 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां तो ऑक्सीजन है नहीं, है ना, इसलिए इसको इस तरह से भी निगलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है यहां पर इस ऑक्सीजन के, इस O2 के एक मोल में कितना एटम ऑक्सीजन है, 2 एटम है, क्या लिखेंगे, 2 इंटू मोल ऑफ O2, को दिक्कत, 2 इंटू मोल ऑफ O2। अब ध्यान दीजिए, अब यहां दिया मोल ऑफ KCl3, ठीक है, मोल ऑफ KCl3, यहां तो मोल ऑफ KCl3 है नहीं, है ना, यहां तो ग्राम ऑफ KCl3 है, तो क्या कर रहा है, इस ग्राम को मोल में तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू बेट इन ग्राम, बेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन, 12.25। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू बेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब KCl3 का मोलर मास कितना होता है, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16, 9 × 3 कितना आ जाएगा, 48, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 122.5 ग्राम। ठीक, तो यानी देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू बेट इन ग्राम गिवन क्वेश्चन 12.25 ग्राम अपॉन कितना जाएगा मोलर मास 122.5 डिवाइड करेंगे 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मोल। ठीक है, तो देखिए यहां पर KCl3 का नंबर ऑफ मोल गिवन क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 0.1 मोल। ठीक है, बस क्या करना है, सब पुट कर लेना है। तो देखिए यहां पर 3 इंटू मोल ऑफ KCl3 कितना है 0.1 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ O2, हमें कैलकुलेट क्या करना है मोल ऑफ O2, इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 3 इंटू 0.1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.15 मोल ऑफ O2। देखिए तो O2 का कैलकुलेशन कितना इजी हो गया विदाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब जब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, अब जब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, तो मास निकालना कौन सा बड़ा बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका, यहां ध्यान दीजिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स तुम कैलकुलेट कर लिए, अब देखिए तो कह रहे हैं यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.15 मोल ऑफ O2,
मोल ऑफ O2 ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है, व्हेन 12.25 ग्राम ऑफ KCl3 इज हीटेड, है ना, देन कितना मोल ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हाउ मच ग्राम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो देखिए यहां पर तो 0.15 इनटू लिख सकते हैं यहां पर वन मोल ऑफ O2 और वन मोल ऑफ O2 का मोलर मास कितना होता है 32, 0.15 इनटू 32 ग्राम इज इक्वल टू 4.8 ग्राम, ठीक है, यानी इसका मतलब है 4.8 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हाँ, निश्चित रूप से क्या होगा, ये बहुत ही अमेजिंग रूल है, क्योंकि इस रूल में आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना है, विदाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरह के अमेजिंग ट्रिक के लिए बने रहिए इजी केमिस्ट्री के साथ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।